चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें एक लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, एक्स प्लस टू का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। देखिए इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको मैं लिखूंगा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बी क्यूब यानी कि टू का क्यूब यानी कि एट। ये किसके बराबर है, एक्स क्यूब माइनस फोर के बराबर है ये, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। ये ब्रैकेट बंद, नहीं तो ब्रैकेट नहीं भी खोलता बंद नहीं करता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूँगा तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। फाइनली बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा मेरे पास थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टू, यानी ये कितना हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर, फिर थ्री एक्स इंटू टू का स्क्वायर यानी फोर, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस एट इज इक्वल टू माइनस फोर, या फिर क्या सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या है, दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये क्या है, क्लियरली दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।